आज हम लेके आए हैं 3 BHK का एल कॉर्नर का फ्लैट। फ्लैटों में फ्लैट फ्रेंड्स, एल कॉर्नर का फ्लैट सबसे खूबसूरत फ्लैट रहता है वेंटिलेशन के हिसाब से और लाइटिंग के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, एल कॉर्नर में सभी रूम्स में आपको विंडो मिलेगी, आपको 2 बालकनी मिल जाएंगी फ्रेंड्स, सभी को वेंटिलेशन, वॉशरूम, किचन सभी में विंडोज़ मिल जाती हैं। तो एल कॉर्नर का जो फ्लैट रहता है सबसे अच्छा फ्लैट माना जाता है। तो आज हम लेके आए हैं 3 BHK में आपका सुपर एरिया 100 स्क्वायर यार्ड का एल कॉर्नर का फ्लैट। तो इसको देखने के लिए वीडियो पूरी देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शीश कुमार कलसी फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलसी एसोसिएट्स में। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके पास एल कॉर्नर का 100 स्क्वायर यार्ड सुपर एरिया, और ऑन पेपर ये आपका 70 स्क्वायर यार्ड रहेगा। और फ्रेंड्स, इसमें हमारे 2 फ्लैट रहेंगे 70 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर। 140 गज का ये हमारा एल कॉर्नर का प्लॉट रहेगा, दोनों तरफ आपको वाइड रोड मिल जाएगी, और ये हमारा नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग का ये फ्लैट रहेगा। तो वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ये फ्लैट रहने वाला है, स्क्वायर में ये रहेगा। इसका फ्रंट काफ़ी वाइड है, 40 स्क्वायर यार्ड का आपका फ्रंट रहेगा। तो इसमें दोनों फ्लैट्स को आपका 20 फीट वाइड इसको फ्रंट मिल जाता है। तो इसमें सन फेस की तरफ एक आपका फेसिंग रहेगी, तो सुबह धूप आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो सन फेसिंग का वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा फ्लैट रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी हमारे रूम्स रहेंगे सभी में विंडो रहेगी, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लाइटिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें इंटीरियर काफ़ी अच्छा किया गया है फ्रेंड्स। और ये हमारा जो फ्लैट रहेगा रजिस्ट्री के साथ रहेगा, लोन आपको ईजी मिल जाएगा। स्ट्रेटेड ये हमारा उत्तम नगर मोहन गार्डन में रहेगा। और फ्रेंड्स, मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन से सिर्फ आपका 600 मीटर ये दूरी पर रहेगा। और फ्रेंड्स, इसमें वॉकिंग डिस्टेंस आपका 5 से 6 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो ये इजी इसमें आपको लोन हो जाएगा, तो LIC से भी इसमें लोन हो सकता है क्योंकि 2 ही यूनिट है।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया रहेगा। फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो सीवरेज, गैस पाइपलाइन, दिल्ली जल बोर्ड, BSES मीटर सभी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, अब आपको पूरी विजिट कराते हैं बाहर से, आपको एलिवेशन और उसके बाद रोड्स दिखाते हुए, पार्किंग दिखाते हुए अपने फ्लैट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। एल शेप में हमारी बिल्डिंग रहेगी और इसमें चार गेट रहेंगे, आपको पार्किंग इजी मिल जाएगी, चारों गेटों से इजी पार्किंग रहेगी, क्योंकि पार्किंग में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो इसमें स्क्वायर बिल्डिंग है तो इसमें गाड़ी की पार्किंग आपको इजी इन आउट हो जाएगी, ये भी आपको बेनिफिट रहेगा। उसके बाद एलिवेशन आप देख सकते हैं, दो हमारी बैल्कनीज दिख रही होंगी, एक आपका वन साइड का रहेगा हमारा फ्लोर 3 BHK का और एक एल कॉर्नर का रहेगा। एल कॉर्नर में हमारी दो बैल्कनी दिखेंगी आपको और फ्रंट में जो प्रॉपर टाइल्स वर्क किया गया है और इसमें फास्टनेट लगाया गया है। ये हमारी रोड्स रहेंगी, आपकी 22 फीट की रोड रहेगी और ये हमारा स्क्वायर में चारों तरफ से आप रोड देख सकते हैं, इस तरफ भी हमारी 22 फीट की रोड रहेगी और यहाँ से राइट लेते ही आप मेट्रो स्टेशन की तरफ रास्ता आपका निकल जाएगा, ई रिक्शा आपको ईजी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एंट्री रहेगी, एंट्री में एक ये गेट रहेगा और एक हमारा इस तरफ गेट रहेगा। इस बिल्डिंग में हमारे चार गेट रहेंगे तो चारों की तरफ से आप गाड़ी इजी पार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अंदर आप आएंगे तो देखेंगे पार्किंग काफ़ी वाइड पार्किंग मिल जाएगी। इसमें हमारी जो इजी पार्किंग आपको मिलेगी, नीचे कोटा पत्थर रहेगा, ऊपर की तरफ आपको फॉल सीलिंग मिलेगी और लाइटिंग मिलेगी, जिससे कि आपका छोटा गेट टुगेदर भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा व्यू इसमें मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको एक लिफ्ट मिलेगी, ये हमारी लिफ्ट का एरिया रहेगा और इस तरफ हमारा स्टेयर्स रहेंगे, तो ये हमारे स्टेयर्स रहेंगे। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ, अब हम चलते हैं यहाँ से। इसमें हमारी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी जो हमारी पेंडिंग है। नीचे की तरफ आपके ये मोटर का एरिया रहेगा, आपका वाटर सेक्शन रहेगा, इस तरफ आपको वाटर मोटर आपकी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्लैट की एंट्री रहेगी और अगर मैं फेसिंग की बात करूं तो जब मैं एंट्री करूंगा तो हमारा उत्तर दिशा रहेगी सन फेसिंग की तरफ, और अगर मैं बाहर निकलूंगा तो वेस्ट फेसिंग रहेगी। सामने की तरफ लिफ्ट और स्टेयर्स रहेंगे। जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो आपके सामने काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग रूम मिलेगा और हम आपको इसमें मिरर का वर्क, डिजिटल वॉलपेपर, एसी की फिटिंग और एक खूबसूरत सोफ़ा आपको प्लेस करके दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इसमें फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड दोनों हमारे फ्लैट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। एक आपको टेबल लगा के दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको स्पेस काफ़ी मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ एक बार दिखाएं, इसमें हमारी जो फॉल सीलिंग की गई है, मिरर का वर्क भी इसमें किया गया है, काफ़ी खूबसूरत वर्क किया गया है और फ़ैन भी आप देख सकते हैं, हमारे फैंसी फ़ैन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सामने की तरफ एक आपको LED पैनल काफ़ी खूबसूरत मिलने वाला है और नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा, आपका ड्रॉर्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी स्पेशियस भी आपका ये रहेगा। उसके बाद साइज़ की बात करूँ तो 13x12 का ये साइज़ रहेगा। उसके बाद ये हमारी एक किचन रहेगी, किचन के फ्रंट एलिवेशन में भी आपका वुडन का वर्क किया गया है, लाइटिंग का वर्क किया गया है। और जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ तो काफ़ी खूबसूरत आपकी किचन रहेगी। ऊपर की तरफ सब में आपको डबल स्पेस मिल जाएगा, चिमनी हमारी तरफ से आपको लगाकर मिलेगी, टाइल्स आपको प्रॉपर मिल जाएगी और नीचे की तरफ आपकी मॉड्यूलर किचन रहेगी। नीचे आपको बड़े कंटेनर स्पेस भी मिल जाएगा। उसके बाद सबसे अच्छी बात, इसमें वेंटिलेशन रहेगी। ये हमारी पूरी विंडो आपकी रोड की तरफ निकलेगी, आप ओपन करेंगे तो आपको पूरा वेंटिलेशन इसमें मिल जाएगा। सिंक आपकी रहेगी, हॉट कोल्ड डायरेक्ट वाटर की टैब और एक RO की टैब मिल जाएगी। ईजी यहाँ पर आप अपना RO लगा सकते हैं, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। इस तरफ आपका एक फ्रिज का एरिया रहेगा, आप अपना फ्रिज यहाँ पर लगा सकते हैं। और स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिलेगा, तकरीबन आपकी 7x8 की किचन रहेगी और 2 से 3 लोग इजी वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा किचन, फॉल सीलिंग, फैंसी लाइट आपको मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ, हमारे तीनों रूम्स आपके सभी रोड्स की तरफ रहेंगे, सबको विंडो मिलेगी। 1x1 करके हम आपको रूम्स दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, आप देख सकते हैं बेड आपका लगा हुआ है। उसके बाद भी अलमीरा आपको मिल जाएगी काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग आपको मिलेगी, फ़ैन आपको मिलने वाला है। इसमें हम रूम में आपको सभी अलमीरा दे रहे हैं और LED पैनल भी आपको सब में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको LED पैनल लाइट के साथ मिलेगा।
वॉलपेपर आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका एक अटैच वॉशरूम रहेगा। एक बार वॉशरूम दिखाएं, बॉटम टू रूफ प्रॉपर आपका टाइल्स वर्क, सीट्स, शॉवर, गीजर पॉइंट सभी आपको इसमें मिल जाएंगे और वॉश बेसिन भी आपको मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो रोड की तरफ निकलेगी, तो काफ़ी अच्छा है हमारा अटैच वॉशरूम। उसके साथ ये हमारी एक अटैच बैल्कनी रहेगी। बैल्कनी में भी आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाएगी और इस तरफ आपको एक टैप और एक पावर का स्विच मिलेगा, जिससे कि आपका ये वॉशिंग एरिया रहेगा। जो एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन प्रॉपर टाइल्स वर्क रहेगा, आपका बिल्कुल भी मेंटेनेंस फ्री रहेगा, पेंट का कोई वर्क नहीं रहेगा। ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। सेकंड बेडरूम में भी हमारा आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अलमीरा इसमें भी आपको मिलेगी। उसके बाद LED पैनल इसमें आपको मिलेगा लाइटिंग के साथ। इसमें आपको विंडो मिल जाएगी और फ्रेंड्स इसमें आपको फॉल सीलिंग, फ़ैन सभी आपको मिलने वाला है। और वॉलपेपर तो हमारे हरी रूम्स में आपको मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये फ्लैट। उसके बाद एक आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देते हैं। ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम रहेगा। बॉटम टू रूफ टाइल्स वर्क, वॉल हैंगिंग सीट, वॉल हैंगिंग आपका वॉश बेसिन, शॉवर, गीजर पॉइंट सभी आपको इसमें मिल जाएगा। और सभी जो वर्क किया गया है क्वालिटी में आपको वर्क मिलेगा इसका फ्रेंड्स। तो इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। ये हमारा 100 स्क्वायर यार्ड सुपर एरिया में आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि बिल्कुल 70 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लैट है, 100 स्क्वायर यार्ड का ये सुपर एरिया आपको मिलेगा। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। अलमीरा इसमें भी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अगेन आपको फॉल सीलिंग, फैन सभी मिलेगा। LED पैनल अगेन इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सारा सब रूम्स में हमने ध्यान रखा गया है कि क्लाइंट्स को अलमीरा और LED पैनल सभी रूम्स में मिले। और उसके बाद विंडो आपको सभी रूम्स में मिलेगी, वेंटिलेशन आपको सभी रूम्स में मिलेगी, विंडो AC इजी लगा सकते हैं। और ये हमारी सेकंड बैल्कनी मिल जाएगी इसमें। इसमें भी आपका स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी और अगेन इसमें भी हमने आपको टैप और पावर का स्विच, जिससे आप इसमें भी आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। ये हमारी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी। तो इस तरफ भी हमारी वाइड रोड रहेगी 22 फुट, उस तरफ भी हमारी 22 फुट रोड रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो L भी रहेगी हमारी दोनों तरफ सेम रहेगी, काफ़ी बड़ी L रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा L कॉर्नर का सुपर एरिया 100 स्क्वायर यार्ड और ऑन पेपर 70 स्क्वायर यार्ड। इसके प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी रीजनेबल ये प्राइस आपको मिलने वाला है। आप मेरा प्राइस डिस्क्रिप्शन पे आप देखें, उसमें आपको प्राइस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप प्राइस की बात भी करना चाहें तो हमारे नंबर्स पर कॉल करें और हम आपको इसमें प्राइस बता देंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी रहने वाली है और आप इसको सर्च करें। आप हमें देखना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर कॉल करके इसकी विजिट बुक कराएं, हम आपको ये फ्लैट दिखाएंगे। सिर्फ इसमें 8 ही फ्लैट हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी कीजिए, सैंपल हमारा रेडी हो चुका है, बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अगेन मैं बता दूँ, प्राइस की डिस्क्रिप्शन पर हमारा प्राइस मिल जाएगा और अदरवाइज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आशीष कुमार कलसी फिर से लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।